महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने तबलीगी जमात पर एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने जमात में शामिल लोगों के बारे में कहा कि देश में फिलहाल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसे में मरकज जैसे समारोह में शामिल हो रहे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि मरकज में शामिल होने वाले लोगों का इलाज क्यों किया जा रहा है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त किसी को लगता है कि इस संकट से बड़ा धर्म है और किसी को इस बीमारी को फैलाने की साजिश रचने की आज़ादी है, तो उन्हें पीटा जाना चाहिए और ऐसे वीडियो को वायरल किया जाना चाहिए। आगे राज ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो लॉकडाउन का समय बढ़ेगा और इससे उद्योग जगत पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे आर्थिक संकट पैदा होगा। तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने पर राज ठाकरे ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, मरकज जैसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को गोली मारी जानी चाहिए। जो इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका इलाज क्यों किया जा रहा है? यदि इस समय भी आपको लगता है कि इस संकट से बड़ा धर्म है और यदि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसे फैलाया रहा है, तो उन्हें पीटा जाना चाहिए और वीडियो को वायरल कर दिया जाना चाहिए, तभी ये लोग समझेंगे। इन लोगों को समझना चाहिए कि लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए है, इसके बाद उन्हें हमसे निपटना पड़ेगा। राज ठाकरे ने कहा कि मुल्ला और मौलवी कहाँ है? ये लोग लोगों के दिमाग में संदेह पैदा कर रहे हैं। यदि कल को कोई पार्टी या सरकार कोई स्टैंड लेती है तो फिर उसे दोष न दें। करेला हमेशा करेला ही रहेगा। राज ठाकरे ने शुक्रवार के पीएम के भाषण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम ने लोगों से कहा है कि 5 अप्रैल को दिया जलाएं। यदि लोग ऐसा करना चाहते हैं तो करने दें। ये अंधविश्वास के बारे में नहीं है, लेकिन पीएम को उम्मीद की किरण दिखानी चाहिए थी और ज्यादा भरोसा देना चाहिए था कि आने वाले वक्त में नौकरियों को लेकर क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद उद्धव सरकार ने वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे खुद कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार ने एक डिजिटल मंच तैयार किया है जिसमें लोग घर बैठे ही अपने लक्षणों की जांच कर सकते हैं और किसी भी तरह की आशंका होने पर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने अपोलो 24x7 के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पहल शुरू की है जो covid19.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि तुरंत मेडिकल परामर्श और कोरोना से जुड़े बाकी जानकारी भी लिंक पर मिल जाएंगे। WHO और भारत सरकार के तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े मामूली लक्षण होने पर खुद को दूसरों से दूर करने और तबियत बिगड़ने पर हॉस्पिटल से संपर्क करने को कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि इस ऑनलाइन टूल की मदद से अधिकारी कोरोना वायरस संक्रमण के तीव्र लक्षणों वाले लोगों की खबर रख सकेंगे। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।